अगली खबर में बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर। क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। ये वाक्य पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत में हुए सबसे बड़े प्रदर्शन चिपको आंदोलन का घोष वाक्य रहा। इस आंदोलन में अधिकांश महिलाओं ने सुंदरलाल बहुगुड़ा के नेतृत्व में पेड़ से चिपक कर पेड़ों को बचाया था। ऐसा ही कुछ डिंडौरी जिले समनापुर विकास खंड के किवाड़ पंचायत स्थित पोषक वन ग्राम पौड़ी में रहने वाली उजियारो बाई कर रही हैं। उजियारो बाई ने परिवार और ग्रामीण के सहयोग से 16 साल में 1500 हेक्टेयर जंगल बचाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने जल जंगल जमीन विषय पर दक्षिण अफ्रीका और फिनलैंड जैसे देशों में जाकर लोगों को जागरूक भी किया है। 2004 में बारिश के समय गांव में डायरिया फैला था। उनके पति फूल सिंह औषधियों के बारे में जानते थे। वे न्यूसिड संस्था से भी जुड़े थे। संस्था और जंगल में मिलने वाली औषधियों की मदद से गांव वालों को बीमारी से बचाया जा सका था। उस समय सड़कें नहीं थी, आवागमन उबड़ खाबड़ पगडंडियों के माध्यम से ही हो पाता था। फूल सिंह ने कई ग्रामीणों को तो बचा लिया, लेकिन 14 से 15 गांव वालों की मौत हो गई। इसके बाद धीरे धीरे जंगल खत्म होने लगा, इससे औषधि पौधे भी खत्म होने लगे। 2006 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड यूथ डेवलपमेंट के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर गांव आए और जल जंगल जमीन अध्ययन मंडल का सदस्य बनाया। चूंकि इन सब चीजों को वो जानती थी और इसके लिए जागरूक भी थी, इसलिए उन्हें इसकी जिम्मेदारी मिली। पौड़ी गांव की सोनकली बाई कहती हैं कि उजियारो बाई ने हमें पेड़ों से प्रेम करना सिखाया। हम सभी गांवों के लोग पेड़ों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। जंगल जाते समय उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हमारा जीवन चल रहा है। अब गांव में पानी की समस्या खत्म हो चुकी है। रक्षाबंधन का त्यौहार हम पेड़ भाइयों के साथ मनाते हैं, उन्हें रक्षा सूत्र बांधते हैं। आने वाली पीढ़ी को भी हम इसे समझाते हैं कि जल जंगल जमीन है तो हमारा जीवन बचा रहेगा। ग्रामीण मंगरू बैगा बताते हैं कि पहले जंगलों में आग लग जाती थी तो हम लोग नहीं बुझाते थे, हरे भरे पेड़ों को काट कर लकड़ी बेचकर आजीविका चलाते थे। उजियारो समझाने आती थी तो विवाद भी होता था। देखते ही देखते जंगलों से कंदमूल फल औषधियां पानी खत्म होने लगा। फरवरी महीने के आते आते झरने सूखने लगे, पीने के पानी के लिए भटकना मजबूरी बन गया। उजियारो की बात हम लोगों को समझ में आने लगी। हम लोग उजियारो के साथ मिलकर जंगल बचाने में जुट गए। देखते ही देखते झरनों में 12 महीने पानी रहने लगा। जंगलों में फिर से कंदमूल फल औषधियां मिलने लगी। उजियारो बाई बताती हैं कि न्यूसिड संस्था की मदद से वे 24 जुलाई 2015 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में जाकर आदिवासी संस्कृत और लाइवलीहुड विषय पर विश्व स्तरीय कॉन्फ्रेंस पर बोली थी। इसके बाद 14 सितंबर 2017 को यूरोपीय देश फिनलैंड में पर्यावरण प्रकृति से बैगा आदिवासियों का संबंध विषय पर चर्चा करने गई थी। न्यूसिड संस्था के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बलवंत रहंगडाले ने बताया कि 2013 में फिनलैंड से जंगल से बैगा आदिवासियों की आजीविका पर पीएचडी करने आई टिकली ने 2 साल बैगा के बीच रहकर रिसर्च भी की। जब उजियारो बाई फिनलैंड गई तो उसकी मदद भी टिकली ने ही की थी। और जड़ी बूटी एकर लस्सा भी काम आता है, एकर छिलका भी काम आता है, एकर बीजे भी काम आता है, सब जड़ी बूटी है ना भैया। एक पेड़ के तो 3-4 बीमारी का काम करता है। मतलब हम लोगों ने उजियारो बाई के नेतृत्व में पौंडी गांव में काम की शुरुआत की और आज की स्थिति में लगभग 4,500 एकड़ के लगभग का जंगल को वो लोगों ने उनके सहयोग से उनके संगठन के मतलब मार्फत आज की स्थिति में 4,500 एकड़ के जंगल को बचा रहे।